प्रगुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम पूजनीय सर्वज्ञ स्वामी विश्वेश्वर जी की असीम कृपा से हम जो साधना शिविर मना रहे हैं, इस दिन का महत्व बहुत कम लोगों को पता है कि आज का दिन क्या है और इसकी विशेषता क्या है। गुरु जी स्वयं कालज्ञानी थे और उनको काल के ऊपर पकड़ थी, काल को जानते थे, पहचानते थे। उन्होंने गुरु जी की विशिष्ट दुर्लभ और साधनाएं इस पुस्तक में आज के दिन का बहुत ही महत्व बताया था। महत्व इसलिए कि जब महाविष्णु आषाढ़ी एकादशी को शयन करते हैं और कार्तिक एकादशी को चातुर्मास के बाद वे जागृत हो जाते हैं, तो तब इस पृथ्वी पर के भक्त लोगों को, श्रद्धावान लोगों को जो भगवान के प्रति अपनी निष्ठा रखते हैं, उनका देखभाल करने, क्योंकि विष्णु सोए हुए हैं और उनकी देखभाल करने के लिए सभी देवताएं अपना अपना कार्य लेकर पृथ्वी पर आते हैं। हमने देखा है कि जैसी आषाढ़ी एकादशी हो गई, उसके बाद आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा आरंभ हुई। गुरु पूर्णिमा व्यास पूर्णिमा कहलाई जाती है, जिन्होंने ग्रंथ और ज्ञान लिखे गुरु पूर्णिमा से आरंभ आषाढ़ी एकादशी के बाद। हम श्रावण मास में आते हैं, शिव जी की पूजा, चातुर्मास में शिव जी की पूजा करते हैं, शिव जी अपना धर्म निभाते हैं। उसके बाद भाद्रपद मास आता है तो गणेश चतुर्थी आती है। भाद्रपद मास की गणेश चतुर्थी और हमारे पास महालक्ष्मी की पूजाएं आदि होने के बाद पितृपक्ष आता है। पितृ देवता भूमि पर आते हैं और आप सभी की रक्षा के लिए अपना मार्ग बताते हैं। पितृपक्ष के बाद आता है अश्विन नवरात्रि, जो हम कल दुर्गा नवरात्रि के नाम से जाने जाते हैं, और दुर्गा नवरात्रि के बाद आती है दीपावली, जो महालक्ष्मी की पूजा का श्रेष्ठ, पूजा की श्रेष्ठता कही जाती है। अश्विन नवरात्रि के बाद कार्तिक मास आता है और कार्तिक मास में सारे देवताएं अपना अपना कार्य कर विष्णु भगवान के उठने के, यानी देवशयनी एकादशी के बाद कार्तिक एकादशी को विष्णु भगवान जागृत हो जाते हैं, जाग जाते हैं। इसके लिए फिर विष्णु भगवान की शरण में जाने के लिए कार्तिक मास में आरंभ होकर दीप पूजन करते हुए यहाँ से सभी देवता वहाँ जाते हैं। तो उसमें जो लोक कल्याणार्थ सारे देवताएं आए, देवता अपना अपना कार्य करें, पितृपक्ष का कार्य हो गया, नवदुर्गा का कार्य हो गया, नवदुर्गाओं ने आकर अपने को, हमने अपनी पूजा स्वीकार की और हमें आशीर्वाद दिया। तो एक दिन आज ऐसा भी दिन है जिसमें आज के दिन ब्रह्मांड में जितना भी गुरुमंडल है वो पृथ्वी पर आकर कहता है कि जो गुरु के प्रति श्रद्धावान हैं, श्रद्धा रखते हैं, हम गुरुमंडल उनको दीक्षा देकर उनकी इच्छा पूर्ण करने के लिए यहाँ आते हैं। और आज गुरुमंडल की उस पूजा को एक गुरुसिद्धि दिवस कहा गया है, जो आज के दिन एक विशेष मंत्र जो ब्रह्मांड में गुंजा और परम पूज्य गुरुदेव जी ने उसको पहली बार, मैंने मेरे इससे पहली बार गुरु जी ने इस दिन की श्रेष्ठता बतलाते हुए विशेष दुर्लभ सिद्धिया में कहा गया है कि जो आज के दिन अपने गुरु सान्निध्य में बैठ कर उस मंत्र का जप करता है, वो गुरु कृपा प्राप्त करते हुए सारे देवताओं को बाध्य करता है कि उससे बात करें। ऐसा दिन आज गुरु सिद्धि दिवस कहलाया जाता है। और इस गुरु सिद्धि दिवस के लिए यहाँ के ऋषि, सप्त ऋषि, महर्षि जितने भी हैं, इस दिन के लिए इंतजार करते रहते हैं। प्रथम बार जब युग का आरंभ था, जैसे दत्तात्रेय भगवान को भी आदिगुरु नाम के नाम से जाना जाता है, आदिगुरु कहते हैं दत्तात्रेय भगवान। परशुराम जी जब पूरी पृथ्वी पर क्षत्रियों का, जो घमंडी थे, अहंकारी थे, उन सभी का नाश करने के बाद वे बेचैनी से घूम रहे थे। इसलिए बेचैन थे कि थोड़े लोग अकारण भी मारे गए और थोड़े लोग कारण होकर भी मारे गए। उन्हें लगता था कि मैंने उनको मारकर पाप किया है। और परशुराम जी पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगे कि मुझे शांति कैसे मिलेगी। तो वे संवर्त नाम के एक ऋषि के पास गए, जो गंधमादन पर्वत पर बैठे हुए थे, उनके पास गए और कहा कि मैं बहुत अशांति युक्त हूँ,
मैंने बहुत सारे क्षत्रियों को मारा, पृथ्वी पर 7 बार क्षत्रियों को नहीं है, मेरे क्रोध के कारण उनको मैंने मार दिया और मैं इसके कारण अशांत अनुभव कर रहा हूँ, मुझे शांति कहाँ मिले, कब मिलेगी। तब समर्थ महा ने कहते, तुम्हारे शांति का विधान तो मैं नहीं हूँ, लेकिन आदिगुरु दत्तात्रेय जी गंधमादन पर्वत पर विराजमान हैं, अगर तुम इनकी शरण में जाओ तो तुम्हें शांति मिल सकती है, तुम प्रयत्न करो। लेकिन एक बात याद रखना, भगवान दत्तात्रेय गुरु है, आदि गुरु है, वो शिष्य को बिना परखे कभी अपने पास आने नहीं देते, उसकी परीक्षा जरूर लेते हैं कि वो कहाँ तक मुझे पहचानता है। परशुराम जी उस पर्वत पर गए तो सब लोग बाहर खड़े हुए थे, तो उन्होंने कहा कहाँ आए हो, तो बोले भगवान दत्तात्रेय जी से मिलने आए। अरे क्या तुम भी क्या मूर्ख आदमी हो, वो दत्तात्रेय पिशाचवत रहता है, कपड़े नहीं डालता है, लंगोट में घूमता है, दारू पीता है, लड़कियों के साथ रहता है, तुम उसके पास जाकर क्या संभालोगे। उन सभी की बात सुनकर भगवान परशुराम के दिल में एकदम खोट एकदम ऐसा हुआ कि ऐसा कैसा हो सकता है, संवर्त जैसे महामुनि अगर ये बात कहते हैं कि तुम जाकर भगवान दत्तात्रेय से मिले और ये कहते हैं ऐसे, तो उन्होंने कहा कुछ भी हो, एक बार मैं दत्तात्रेय भगवान से मिलना चाहता हूँ। जैसे ही उनकी गुफा में गए, दत्तात्रेय के अगल बगल में वेश्याएँ थी दो और वे दारू पी रहे थे, ऐसा उन्होंने देखा। परशुराम जी उनके पास गए और उनके चरणों में बैठकर आंखों से आंसू टपकने लगे और कहा प्रभु क्यों माया में डाल दे, सच्चाई क्या है ये तो बता दो, कि आपने ये जो वेश धारण किया ये तो आप नहीं हैं, ये हम जानते हैं। तब दत्तात्रेय जी अपने बगल में खड़े हुए उन अष्टमहासिद्धियों को कहते हैं कि आप लोग चले जाओ, और जो अमृत था उसको रखते हुए कहते हैं कि परशुराम यहाँ बहुत से लोग आए और मुझे ये समझ कर चलेगा कि मैं पिशाच हूँ, मैं दीवाना हूँ, मैं पागल हूँ, मैं वेश्याओं के साथ रहता हूँ, दम तुम एक आदमी इतना होने पर भी मेरे शरण में आए हो और मुझे पहचान लिया, आज मैं तुम किस कारण से आए हो उस कारण का जरूर मैं उसका निवारण करूँगा। वो दिन था और आज का वही दिन है जो हम दुर्गा नवरात्रि के बाद त्रयोदशी आती है, उसे गुरु सिद्धि दिवस कहा जाता है। और दत्तात्रेय जी ने परशुराम जी को दीक्षा दी और कहा कि आज मैं तुम्हें एक विशिष्ट मंत्र बोलता हूँ जिससे पूरा गुरुमंडल, कितने भी गुरु आज तक हुए वो सब लोग पृथ्वी पर विचरण करने आते हैं, और उस मंत्र को करने से वो सारा गुरुमंडल तुम्हारे सारे पापों का नाश करते हुए उन देवताओं का दर्शन तुम्हें प्रदान करते हैं। मैं उस गुरुमंडल के आह्वान का मंत्र आज तुम्हें देता हूँ। तुम्हारे जीवन में तुमने कितने ही पाप किए होंगे, तुम्हारे जीवन में पाप करने के लिए अगर देवताओं को गाली दी होगी, गुरुओं को कुछ भी कहा होगा और ऐसा कुछ तुम्हारे जीवन में हुआ होगा, लेकिन गुरुमंडल वो गुरुमंडल है जो सप्तऋषि मंडल से बाहर आता है और पृथ्वी पर घूमने लगता है, और आज के दिन जो वो उस विशिष्ट मंत्र की साधना करते हैं उन्हें निश्चित रूप से उस पापों से मुक्ति दिलाकर शांति प्रदान करता है, ऐसा दिन आज गुरु सिद्धि दिवस कहा गया है। आज गुरु सिद्धि दिवस के दिन जो मनुष्य उस विशिष्ट मंत्र की आराधना करता है, कहते हैं कि वो इस संसार के किए हुए दोषों का निवारण करते हुए सारे देवताओं को बाध्य करता है। बाध्य करने का मतलब होता है देवताओं को कहता है कि आज जिसने ये मंत्र किया है, अगर देवता को बुलाता है तुम्हें दर्शन देना ही है, देना ही होगा, उसकी इच्छा पूर्ण करनी होगी। उस मंडल को गुरुमंडल आज पूरे पृथ्वी पर विचरण करते हुए रहता है, और जो शिष्य आज इस विशिष्ट मंत्र की साधना करता है उसको उस गुरुमंडल की कृपा प्राप्त होती है, ऐसा परम पूज्य सद्गुरुदेव जी ने, आप अगर पढ़े हैं तो विशिष्ट दुर्लभ सिद्धियाँ में परम पूज्य सद्गुरुदेव जी ने कहा है। ऐसा ही हुआ था आजकल के कलयुग में, पश्चिम बंगाल में आपको तो पता है दुर्गा नवरात्रि बहुत धूमधाम से मनाई जाती है, और श्री रामकृष्ण परमहंस जी काली भक्त थे, उन्होंने भी नवरात्रि बहुत श्रेष्ठता के साथ मनाई, बहुत श्रेष्ठता के साथ यानी रोज भजन होता था, और भजन में स्वयं नरेंद्र यानी जो बाद में चलकर विवेकानंद कहलाए वो रोज भजन गाते थे, रोज भजन गाते थे, और भजन से पूर्ण नवरात्रि पूर्ण हो गई, द्वादशी हो गई, एकादशी हो गई, विजयदशमी हो गई, और इस आज त्रयोदशी के दिन विवेकानंद जी रामकृष्ण परमहंस के पास आए और बहुत ही आंखों में आंसू आकर बहुत रोने लगे। रामकृष्ण परमहंस ने कहा क्या हुआ, तो ऐसा क्यों रो रहा है, प्रभु नवरात्रि में भजन गाए सब गाए लेकिन मेरे कष्ट ही दूर नहीं होते, कितना करो मैं कष्ट में ही रहता हूँ, मेरी माँ, मेरी बहन, मुझे नौकरी नहीं, ये सारे दुखों में मैं दुखों से व्यस्त हूँ प्रभु, मैं क्या करूँ, मैं तुम्हें से बार बार भजन गाया, तुम्हारी भक्ति किया,
तुमने जो कहा वो सब किया लेकिन मुझे शांति नहीं, मेरी कोई इच्छा पूर्ण नहीं होती।